नमस्कार दोस्तों, इंडिया सी और बी के बीच जो मुकाबला हो रहा था उसके आज के दिन की हुई समाप्ति। जी हां, दिलीप ट्रॉफी के सेकेंड राउंड में हो रहे मैचेस में इंडिया सी और बी और इंडिया ए और डी के जो मैच थे उनके आज के दिन की हुई है समाप्ति। बात करें इंडिया सी और बी के पूरे मैच की समरी या पूरे लेखे जोखे की, जो कि आज और कल को मिलाकर कि क्या रहा मैच का हाल, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम के कप्तान है उन्होंने 58 रन जड़े, अर्धशतक जड़ा है अपना। सही सुदर्शन जिन्होंने 43 रन अपने बनाए हैं। जी हाँ, रजत पाटीदार ने भी अच्छा योगदान किया है, उन्होंने भी अपने 40 रन बनाए हैं निजी स्कोर। इंडिया सी और बी के जो मेन हाईलाइट रहे हैं अब तक मैच में इंडिया सी की तरफ से, ईशान किशन जो मेन हाईलाइट रहे, जिन्होंने 111 रन अपना निजी स्कोर किया और टीम को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाया। वहीं बाबा इंद्रजीत ने भी अच्छी पारी खेली, 78 रन की। मानव सूथर जो कि गेंदबाज है, जिन्हें पहले राउंड में जो मैच हो रहे थे दिलीप ट्रॉफी के, उसमें गेंदबाज के तौर पे इतना सराहा जा रहा था, वहां आज उन्होंने बल्लेबाजी दिलीप ट्रॉफी के सेकेंड राउंड में इंडिया सी की तरफ से और पहले दूसरे दिन में अपनी बल्लेबाजी से भी खासा प्रशंसा बटोरी है। वहीं अंशुल कंबोज ने भी 38 रन बनाए हैं और टीम का टोटल 525 पे जाके रोक दिया। जी हाँ, 525 रन बनाए इंडिया सी ने, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। वहीं इंडिया बी की बैटिंग की बात करें, उनकी इनिंग की बात करें, तो अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो 51 रन पे खेल रहे हैं और वहीं नारायण जगदीश वो भी 67 रन पे खेल रहे हैं। 124 पे आज के दिन की समाप्ति हुई है दूसरी इनिंग की, जो इंडिया बी है उसके पारी कल से शुरू होगी। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग इंडिया बी की तरफ से मुकेश कुमार जिन्होंने 4 विकेट चटके, और वहीं एक और राहुल चहर, जी हाँ उन्होंने भी 4 विकेट चटके हैं। और खास सी बात यह है कि उन्होंने 3 विकेट तो अपने बोल्ड किए हैं। जी हाँ, उन्होंने 3 विकेट जो है वो बोल्ड करके निकाले हैं। वहीं एक जो विकेट था उनका कैच के थ्रू पकड़ा गया था और उनके खाते में 4 विकेट आए। 401 रन से अभी इंडिया बी पिछड़ी हुई है इंडिया सी के से, तो ये आगे मैच कल शुरुआत होगी। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मैच की, जहां इंडिया ए और इंडिया बी के बीच मुकाबला था, वहां की अगर इंडिया जो बी है उसकी दूसरी इनिंग की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल ने 92 रन बनाए हैं, अपनी निजी स्कोर है, टीम को एक अच्छे स्कोर पे लेके गए हैं। रिकी भुई ने 23 रन बनाया और हर्षित राणा, जी हाँ गेंदबाज जिसने बल्ले के साथ अपना योगदान दिया। वहीं इंडिया ए के दूसरी इनिंग की बात करें तो प्रथम सिंह जिन्होंने 59 रन बनाए और मयंक अग्रवाल 56 रन पे खेल रहे थे, लेकिन जस्ट जहां आज के दिन की समाप्ति होने वाली थी वहीं पर आखिरी ओवर श्रेयस अय्यर डालने आए और उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। जी हाँ, श्रेयस अय्यर को उनकी पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट दे दिया, कॉटन बोल्ड मयंक अग्रवाल हो गए। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने जस्ट सेशन खत्म, आज के दिन की समाप्ति होने वाली थी और तभी उन्होंने किसी गेंदबाज को नहीं, एक पार्ट टाइम गेंदबाज श्रेयस अय्यर को अपना विकेट थमा दिया। बात करें इंडिया ए और डी के कल के दिन की क्या लिखा जो कर रहा, तो उसमें रियान पराग ने इंडिया ए की तरफ से 37 रन बनाए, शम्स मुलानी ने 89 रन बनाए, तनिष कोतई ने भी 53 रन बनाए और 290 पे ऑल आउट हो गई। और वहीं अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया डी की पहले दिन की, तो हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए। जी हाँ, हर्षित राणा जिन्होंने बल्लेबाजी से भी दूसरे इनिंग में अच्छा खासा योगदान किया, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले। तो यही है मैच का सूरत हाल। इंडिया ए जो है वो 222 रन की कहें तो 115 पे जो इंडिया डी है वो आउट हो गई है, आज के दिन की समाप्ति हुई है 115 एक विकेट गवा के। अब कल का वो शुरुआत करेगी, अभी 222 रन से वो पिछड़ रही है, तो देखना होगा कल कैसा रहता है, क्या हाल रहता है। ऐसी कल के मैच की भी तमाम बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।